चलिए अब रुक करते हैं दुर्ग जिले की तरफ, जहां पर हमारे साथ हमारे संवाददाता सुबोध तिवारी हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। सुबोध, क्या कुछ खबरें हैं जो आज दिन भर सुर्खियों पर बनी रहेंगी दुर्ग जिले से? लीना जी, तीन बड़े मसले हैं दुर्ग जिले में जो आने वाले दिनों में काफी बड़ा रूप भी ले सकते हैं। सबसे पहला मसला तो है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक जन आक्रोश पद यात्रा निकाली जा रही है, जो कि दुर्ग के अग्रसेन चौक से निकालकर वो तीन चार ऐसे जो मतलब दुर्ग जिला जो शहर है, जो शहर सरकार है, उसे घेरने की तैयारी है, जिसके तहत वो तमाम सुविधाओं को लेकर, सहूलियतों को लेकर, जो आवश्यक सुविधा अधिनियम के तहत निगम के अंतर्गत आते हैं, जो अब तक लोगों तक नहीं पहुंचे हैं, नलों के कनेक्शन नहीं पहुंचे हैं, नालियों की सफाई है, और ऐसे बहुत से ऐसे मसले हैं जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जन आक्रोश पद यात्रा रैली निकाली जा रही है, और इसका हिसाब वो पूछेंगे विधायक अरुण वोरासे और महापौर धीरज बाकलीवाल से। इसके साथ ही वे पीएम मोदी जी के द्वारा जो चलाई गई योजना है केंद्र सरकार के मार्फत, चाहे आवास को लेकर हो, चाहे किसान ऋण को लेकर हो, और भी ऐसी कई तरह की योजनाओं का लाभ जो लोगों को नहीं मिल पा रहा है, या कहीं ना कहीं राज्य शासन का जिस तरह से हस्तक्षेप होना चाहिए था इन योजनाओं के लाभ को लेकर, तो ऐसी सारी चीजों की जानकारी लोगों से मिलकर बिल्कुल रूबरू होकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा दी जाएगी। दूसरा बड़ा मसला है लीना जी, जो किसानों की जमीन है उन्हें बंधित करके और प्लॉटिंग करके उसे बेचने का बड़ा मामला दुर्ग जिले में प्रकाश में आया है, जिसमें जो बड़े बड़े बिल्डर और कॉलोनाइजर हैं, जैसे कि एमआर लेआउट है, चौहान बिल्डर्स है, इन्होंने एक काम ऐसा किया है लीना जी की जो किसानों की जमीन है उसे अपने अधिकार में लेने के बाद उसकी प्लॉट कटिंग करके बेचने लगे, और बिना रेरा के परमिशन लिए हुए, या उन्होंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया जिससे कि जमीन आवासी हो सके, यानी कि कृषि भूमि है उसे परिवर्तित करके आवासीय भूमि करना चाहिए था और उन्होंने नहीं किया, और उसी पर जिला अधिकारी के द्वारा, जिला कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा के द्वारा इस पर पाबंदी लगाई गई, और इससे सारे के सारे जो बिल्डर हैं वो परेशान हैं कि अब जबकि राज्य शासन के द्वारा ऐसा कोई स्पष्ट आदेश नहीं है कि किस तरह की जमीनों को बेचा जाए और किस तरह की जमीनों को ना बेचा जाए, लेकिन संविधान से कोई भी ऊपर नहीं है, और इसी वजह से जो दुर्ग जिला कलेक्टर हैं पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने और बालोद के कलेक्टर हैं, इन्होंने ऐसी जमीनों पर पाबंदी लगा दी है जिनका ना तो लेआउट पास है, ना टाउन एंड कंट्री विभाग से उनका जो जमीन का हस्तांतरण वाली बात है या रेरा से परमिशन वाली बात है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, तो उन जमीनों पर रोक लगी है, और इसी वजह से बिल्डर परेशान है और किसान अब उनके ऊपर चढ़ाई करने लगे हैं कि हमारी जमीन को आपने आधिपत्य में लिया और प्लॉटिंग काटकर एक बड़ा मुनाफे का सपना दिखाया, सब्जबाग दिखाया, मगर अब पूरा का पूरा जो मामला है बिल्डरों के ऊपर आ गया है, और किसान भी बिल्डरों से पैसे लेने के लिए लगातार उनके चक्कर लगा रहे हैं। और तीसरा बड़ा मसला है दुर्ग जिले में धान मंडियों का लीना जी, जिसमें कि अगर तीनों जिलों की बात करें, दुर्ग, बालोद और बेमेतरा की, तो 4000 से भी ज्यादा, यानी कि ऐसे 4900 से ज्यादा किसानों ने पंजीयन कराया, मगर 3300 किसान जो दुर्ग जिले के हैं वे धान मंडियों तक पहुंचे नहीं अपने धान को लेकर, या तो उन्होंने झूठा रकबा दर्ज करा दिया था या फिर वे धान को कहीं और अन्यत्र बेचकर अधिक मुनाफे के चक्कर में कहीं और उन्होंने अपने धान को खपा दिया है, लेकिन ये जो किसान है इन्होंने धान मंडियों से, बैंकों से, सरकार से कर्ज लिया, लाखों का कर्ज लिया, अब उस लाखों के कर्ज को वसूलना बैंकों के लिए चुनौती होता जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे मार्च का महीना नजदीक आता जाएगा अगर किसान बैंकों में पैसा जमा नहीं करेंगे तो वो डिफॉल्टर हो जाएंगे और बैंकों को भी एक बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। इसी के साथ जो अगर बालोद और बेमेतरा जिले को भी मिला दें तो इसमें दुर्ग जिले में अकेले 19 करोड़ की वसूली करनी है और दुर्ग, बालोद और बेमेतरा से 75 करोड़ से भी ज्यादा की रकम की वसूली बैंकों के द्वारा करनी है। लीना जी, सुबोध, बात करें बीजेपी के जन आक्रोश यात्रा और रैली की, तो क्या ये चुनावी साल है इसलिए बीजेपी को दिख रहा है कि कांग्रेस ने क्या से, कांग्रेस ने कुछ काम नहीं किया ये कहना है भाजपा का, और भाजपा का कहना है कि हमने कभी भी जन सुविधाओं की अनदेखी नहीं की, जबकि अगर देखा जाए तो पिछले पूरे कार्यकाल में भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के नेता खड़े होते रहे हैं, और जिस तरह से आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर एक ऐसा माहौल तैयार करने की बात है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं, जो पदाधिकारी हैं, जिला पदाधिकारी हैं, वे लोगों से मिलकर रूबरू होकर
अपने समर्थन की भी बात करेंगे, न केवल वे राज्य सरकार और शहर सरकार की कमियों को गिनाएंगे, न केवल ये केंद्र सरकार से मिलने वाले लाभों की जानकारी देंगे, बल्कि अपने समर्थन में सरकार बनाने को लेकर सहयोग करने की बात भी आम जनता से करेंगे। लीना जी, चलिए जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया सुबोध। तो ये तो हो गई दुर्ग जिले की तमाम बातें जो सुर्खियों पर बने रहने वाली है। बात करें बीजेपी के जनाक्रोश रैली की, तो बीजेपी गांव गांव और लोगों से मिलकर सीधे मिलकर